तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं रेडी शेडी होके मंदिर की ओर और अब करेंगे दर्शन। तो शीतू ने भी मेरे को पिंक सूट पहना है और मैंने भी पिंक सूट पहना है और विशाखा ने ग्रीन सूट पहना है। विशाखा, शिशु, गुन्नू, परी, हम ब्लॉग करते रह जाएंगे। ये देखो गॉगल्स गर्ल। तो गाइज अभी पता है काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि हमारी बस लेट हो गई थी ना, इस वजह से हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं 1 बजे करीब। So sad. तो अभी मेरे को आगे बुलाया जा रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं, मैं मुझे शर्म आती है थोड़ी सी। तो गाइज भैया भी रेडी हो चुके हैं। भैया चल रही है, हेलो। तो गाइज सब लोग जा रहे हैं वॉक करते हुए मंदिर की ओर और अभी दर्शन करेंगे। ये देख सकते हो आप, जय श्री श्याम। तो कुछ लोग हमारे आगे जा रहे हैं और कुछ लोग हमारे ये रहे। ये देख सकते हो आप, गर्ल्स गैंग जा रही है ये। तो चलते हैं अभी, गैंग जा रही है। लेफ्ट लेफ्ट चलना है, आगे से लेफ्ट। हाँ, तो दोनों भैया हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना। तो गाइज सबके साथ जाने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि यार ये चीज मत करा के कि तेरी फोटो खींच रही है। तो अभी व्लॉगिंग टाइम है, तो इट्स व्लॉगिंग टाइम। तो अभी ये देख सकते हो आप पीछे बड़ी मम्मी दोनों है, विशाखा है और भैया आगे जा रहे हैं हमें बताते हुए कि हमें कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना। तो ये राजस्थान है और यहाँ की आप रेते देख सकते हो, रेत देख सकते हो कि कैसी कैसी है। तो हम इस पर चल भी पा रहे हैं और जब गर्मियों में आए थे, गर्मियों में तो आप बिल्कुल नहीं चल सकते, इस पर आप लोगों को पता ही होगा। गर्मियों में हम लोग एक बार आए थे ना, हमारे पैर इतने तप रहे थे, इतने जल रहे थे पैर, सब उछल उछल के जा रहे थे, बट ठीक है, अच्छा लगा। जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा, श्याम श्याम हमारा, और श्याम बाबा को बधाई, अच्छा नजारा, बॉर्डर की जरूरत ही नहीं है, रेगिस्तान बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। भैया गर्मियों में नहीं चल सकते इस पे रेत पे ना, नहीं बहुत गर्म होता है। हाँ बड़ी मम्मी हम लोग आए थे पिछली बार तो हम बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे इस पे, बहुत गर्म होता है। गर्म था ना। हाँ, कुछ राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। हाँ जी गर्मियों में तो हाँ। तो हम लोग आए थे, हम बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है इस पे चलने पे। रेत गर्म था उस टाइम, उस टाइम बहुत गर्मी गर्मी भी बहुत थी, मगर अब इतना महसूस नहीं हो रहा, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। और सबके साथ जाने में तो और भी अच्छा लगता है, है ना, पूरी फैमिली जा रही है तो और अच्छा लग रहा है। तो गाइज आपको यहाँ के सारे रोड थोड़े गांव की तरह लगेंगे, है ना विशाखा, ये राजस्थान है, क्योंकि ये राजस्थान है, आपको सारे रोड यहाँ पे गांव के ही अकॉर्डिंग मिलेंगे, आपको ये नहीं कि पक्का रास्ता है और बिल्कुल। हाँ लेकिन थोड़ा एरिया भी यहाँ पे गाँव का टाइप लगता है ना गुन्नू काटा। से तो सही है। हाँ सेतपुर से तो सही है, ये बात गुन्नू ने सही कही, सेतपुर से तो रास्ता बहुत अच्छा है। ये देखो आंटी अम्मा सब तैयार तैयार होके निकल चुके हैं मंदिर, और गाइस धर्मशाला से सब लोग पैदल जाते हैं और जिसको पैदल नहीं सूट करता है वो ई रिक्शे से भी जा सकते हैं, ई रिक्शे चलते हैं यहाँ पे। तो हम लोग तो भाई पैदल जाना ही अच्छा लगता है हमें क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो सबके साथ में ना रास्ता पता भी नहीं चलता कि दूर है कि पास है, तो हम सब तो पैदल पैदल ही जा रहे हैं। आपने देखा ही है कितने सारे लोग हैं जाने वाले, तो बस थोड़ी दूर और रह गया। गाइस इंतजार हुआ खत्म और हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, तो कैसा लग रहा है आपको आगे? बहुत अच्छा, सुकून सा फील हो रहा है, जबकि अभी तो मंदिर पहुंचे भी नहीं है, मतलब अभी होना स्टार्ट हो गया है, तो पहुंच के तो लेवल ही क्या होगा पता नहीं। तो अभी बस मंदिर में जाने वाले प्रसाद ले लें यहाँ से, तो गाइस यहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेंगे, फ्लावर्स लेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे बाबा जी के दर्शन। तो विशाखा सब रेडी हैं दर्शन करने के लिए, है गुन्नू? तो गाइस ये सब शॉप है यहाँ की, आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, प्रसाद वगैरह और कड़े वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे, आप यहाँ से माला वगैरह भी खरीद सकते हो अगर आप पहनते हो तो। आप भीड़ देख सकते हो, आई थिंक
नहीं, अभी इतनी भीड़ हो रही है तो आगे मंदिर में पता नहीं कितनी भीड़ होगी। चलते हैं अभी। जिसे प्रीत लगी है राधे, तू ही मन में बसी है राधे, आना भी। तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है और आंटी ने भी प्रसाद ले लिया है और हमने ये भी लगवा लिया राधा राधा। और अब चलते हैं मंदिर, बस पहुँच के बाकी सब आगे निकल चुके हैं। हम लोग प्रसाद ले रहे थे तो थोड़े से लेट हो गया ना। तो गाइस जितने यहाँ फूल ले लिए हैं और यहाँ की वाइब देखो, गाने कितने मस्त चल रहे हैं ये देखो। हाय विशाखा, विशाखा भी थोड़ा परेशान है क्योंकि सवारियाँ इधर उधर हो रही हैं। देखना भाई आप पिछड़ मत जाना सब, चलो किसके गिरे थे। तो गाइस वाइब इतनी अच्छी आ रही है ये देखो, यहाँ आप ये फोटो सेल्फी वगैरह सब ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो। हम आए थे ना अभी जब गाड़ी से, तब भी था ये। मैं भी आई थी ना, मैं आई थी तब नहीं था ये। जब हम लोग गाड़ी से आए थे तब था ये। तो कैसा लग रहा है? अच्छा। बढ़ता जा रहा है गाइस, ये लोग पहली बार आए हैं तो अच्छा लगना चाहिए भाई, अगर अच्छी जगह आए हो तो अच्छा ही लगेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं, बस 2 सेकंड और आपको मैं दर्शन कराने वाली हूँ, ये देख सकते हो आप, बस 2 मिनट और। सिद्धू बस दर्शन करने वाले हैं 2 सेकंड और पिछली बार की तरह इस बार भी आपको मैं दर्शन करवाऊंगी। और वैसे भी यहाँ पे फ़ोन वगैरह चलाना अलाउड नहीं है, बट सब लोग खींच लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, तो मैं भी वैसे ही करने वाली हूँ। तो पहले मैं हाँ फ़ोन छीन लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि वीडियो बन पाती है कि नहीं बन पाती है, तो दर्शन कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइस दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और आप लोगों ने भी देख लिए हैं दर्शन, चीजों के भी दर्शन हो गए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। फाइनली आपने देख लिए है ना? मन नहीं भरा ना, शाम को भी आएंगे। दर्शन हो चुके हैं, शाम से किसी ने कुछ नहीं खाया है, बट लिमिट से खाया। तो गाइस श्याम बाबा के दर्शन हो गए हैं मंदिर में। अरे मम्मी कहाँ गए हम लोग? तो गाइस ये रहा फोरन द्वार, आप देख सकते हो। दो तीन
पास रख लिए। तोरण द्वार से भी होकर आ चुके हैं, आप जा रहे हैं धर्मशाला और आप खाएंगे खाना पीना क्योंकि सबको लग रही है भूख। और ये देखो विशाखा बाबा, और ये हमें रेगिस्तान का फील देते हुए हम चल रहे हैं। ये देखो मजा आ रहा है ठंडी ठंडी रेत में, राजस्थान में अगर धूल मिट्टी बालू ना हो तो ले अपनी वीडियो बना ले, आनंदी वाला गाना लगा लियो। वही बोल रही थी मुझको रेगिस्तान देखना, मुझको रेगिस्तान देखना। फाइनली हम रेगिस्तान को देखते हुए चल रहे हैं, देखते हुए और मजा करते हुए भी चलते हैं। हमारे पैर नीचे जा रहे हैं, हे प्रभु जल्दी जल्दी आओ, सब आगे चले गए। गाय की तरह चलते हुए धीरे धीरे। गाइस दर्शन करके हम आ चुके हैं रूम पे, और ये जो प्रसाद हमने लिया है उसको रखेंगे फिर खाएंगे हम खाना पीना। गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं खाना खाने के लिए, सबको इतनी तेज़ भूख लग रही है ना क्योंकि हमने बाहर का कुछ नहीं खाया, बस खाली कचौड़ी खाई थी तो अब भूख लगने लग गई। क्या वो भैया ऐसे के देख रहे हो? नहीं मैंने ये बोला कि मैंने सिर्फ एक कचौड़ी खाई थी, मैं अपनी सब्सक्राइबरों से ना मैं झूठ नहीं बोलती। ये तो ना बिना चप्पल के चलो ना, हाँ आ जाओ चिदुआ। तो गाइज इस धर्मशाला में हमारा खाना पीना है, चलो यहीं उतार दो साइड में। तो ये धर्मशाला है, क्या हुआ बाबा? बाबा बैठे हुए हैं। किस लिए? आशीर्वाद देने के लिए। किस लिए बैठे हो? तो अभी सब आके बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ बैठ गए हैं हम लोग, सब साथ में खाना खाएंगे। भूख लग रही है बहुत तेज वाली, बहुत तेज है ना। रात को भी हमने इतना नहीं खाया था, रात खाया नहीं, सुबह से भी नहीं खाया, अब खा रहे हैं। A few moments later. तो गाइस हम लोग दोबारा से निकल चुके हैं खाटूश्याम जी के लिए, और देखते हैं कि दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं कि हमने दिन में कुंड नहीं गए थे तो अब हम कुंड जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं। बाकी सारी टीम आगे जा रही है, बड़ी मम्मी वगैरह नहीं आई हैं, सब बच्चे वगैरह ही आए हैं, निक्की आई है सबसे छोटी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुंड की ओर क्योंकि इन्होंने कुंड नहीं देखा है तो इनको दिखाना तो बनता है। और बाकी अभी ना दिन में किसी ने भी शॉपिंग वगैरह नहीं करी थी क्योंकि सबको जल्दी जल्दी हो रहा था, तो अब सब शॉपिंग करते हुए जाएंगे जिसको भी जो जो चीज़ें लेनी है। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं हमारे बहुत अच्छे से, खाना पीना सब हो चुका है और जो जो हमें शॉपिंग करनी थी वो भी हमने कर लिया। तो अब करते हैं हम लोग विदाई। तो अभी यहाँ पे खाटू श्याम जी की आरती चल रही है तो चलते हैं आरती में शामिल होते हैं, फिर यहाँ से विदा लेते हैं और फिर हम चलते हैं सीधा दिल्ली। तो अभी सब लोग पहुँच रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि बिना विदाई के यहाँ से कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। ये देखो सब जा रहे हैं। विदा की बेला है, घर जाना है, घर जाना है, भीगी पल के भीगा मन है, घर जाना है। तो गाइस अब
दिन हो चुके हैं और आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वैसे सुशील भैया नहीं बोलेंगे, ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही आप आते रहो और हर महीने आते रहे। बिल्कुल कंटिन्यू आते हैं सिस्टर, हम तो वैसे भी बाबा बुलाए और हर महीने आए हम। तो गाइस आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा ये ब्लॉग, यार ब्लॉग में भैया भाभी का नाम शादी होगी तो भाभी आएगी ना दोस्त। हाँ सही बात है, जब शादी होगी तब भाभी आएंगी। तो गाइस आप भाभी एक बार आई थी, फिर एक बार के बाद नहीं आई। एक बार आई थी और उन्होंने बहुत डांस भी करा था, पता नहीं उस बार के बाद से आएगी नहीं। चल रही है, अरे नहीं भैया की शादी नहीं हुई अभी, तो फिर भाभी आई क्या क्या कर रही है? और भाभी भाभी बार करनी हो गई है। जय श्री श्याम। तो इस बार श्याम बाबा की कृपा से श्याम बाबा के शरण में 3 रथ आए हैं। श्याम बाबा आप सब पे और आपके परिवार पे ऐसी कृपा बनाए रखें और आप हर महीने खाटू श्याम आए और दर्शन करें बाबा जी के और आप सबके जीवन में बहुत खुशियां आए। जय श्री श्याम। गाइस अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको सभी की ओर से जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाय बाय।